अभी वो कह रहा है जब मैंने वीडियो ओपन की पहले वो बकवास कर रहा था, तो मैंने बोला, मैंने कहा नहीं मैं मुस्लिम हूँ तो मैं शराब वगैरह नहीं पीऊंगा तेरे से। बड़ा फिर भी 4.5 लाख लूंगा और आप लोगों को वहाँ पे छोड़ दूंगा, आप वहाँ से जहाँ आपका दिल करे चले जाना। हमने कहा नहीं यार इस तरह का सीन नहीं है। आगा को मैंने 2 नार तोड़ के दिए थे, उसमें से एक मैंने चुरा के ना अपने बैग में रख लिया और अभी आगा ढूंढ रहा था यहाँ पे। सो फाइनली जी अभी हम मेहमत के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन यार हमारे साथ तो बहुत बड़ा स्कैम हमने खुद ही कर लिया अपने साथ यार। मैंने बोला ना भाई शराब इस्लाम में हराम है, वो कह रहा है हम नहीं इधर सब लोग आजाद हैं। ईरानी जो है ना वो इस्लाम को इतना गौर नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक इन अदर व्लॉग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली जी मैं पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम एयरपोर्ट पे हमने लैंड किया था, एयरपोर्ट से हम आ गए निकल गए यहाँ पर और अभी हमने गाड़ी करवा ली है और आज हम जा रहे हैं स्पेशल प्लेस की तरफ। वो प्लेस कौन सी है वो आप लोगों को बाद में बताता हूँ, उससे पहले जितने भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट अब तक पहुँचती रहे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ जी मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ आज मेमत, ये शराज के साथ ही एक सिटी है मेमत, बहुत खूबसूरत है, यहाँ से 109 किलोमीटर का फासला है और VIP है। और अभी इस आगा के साथ हम जा रहे हैं, इसने हमें एयरपोर्ट से पिक किया था पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, और इस आगा के साथ जा रहे हैं। इसके साथ हमारा फाइनल हुआ है 4.5 लाख 2 बंदों का। यह हमें डायरेक्ट मेमत के अंदर छोड़ के आएगी। मेमत एक ओल्ड और ट्रेडिशनल सिटी है, वो तकरीबन 12,100 साल पुरानी सिटी है जिसमें अभी भी पुराने घर पुरानी इमारतें पुराना सब कुछ है। तो अभी हम जा रहे हैं मेमत की तरफ, तो इंशाल्लाह मेमत वाला व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। चलो जी अभी हमारा सफर हो गया यहाँ से शुरू, तो आप सफर एंजॉय करो और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चले जी लेट्स गो फॉर मेमत। सो जी अभी मैं आगा के साथ बैठ के आ रहा हूँ। आगा मुझे कह रहा था कि वहां पर चल के ना हम शराब पियेंगे मिल के। मैंने बोला ना भाई शराब इस्लाम में हराम है, वो कह रहा है हम नहीं इधर सब लोग आजाद हैं। ईरानी जो है ना वो इस्लाम को इतना गौर नहीं करते। इस्लामी ना कबूल, ओके ओके अब कह रहा ओके ओके, लेकिन कह रहा है इस्लामी ईरानी जो है ना इस्लाम को इतना गौर नहीं देते भाई, ईरानी बहुत अजीब समझते हैं ठीक है। और ऊपर से ये कह रहा है कि खुमैनी जो है ना खुमैनी यहाँ का इमाम खुमैनी गुड निस्त है, कह रहा है भाई इमाम खुमैनी ठीक नहीं है, जिसने भाई इस्लाम का झंडा यहाँ पे लहराया उनको ये ठीक नहीं बोलते, ये सदा जहान हमारे पाकिस्तान की तरह ना गुलाम रहना चाहते हैं, अमेरिका का गुलाम रहना चाहते हैं ये उर्दू लोग हैं ये ठीक है ना, इस्लाम को तरजीह नहीं दे रहे। और कह रहे हैं कि भाई खुमैनी भी ठीक नहीं है जिसने इस्लाम का झंडा यहाँ पे लहराया है। खुमैनी ईरान में आने से पहले ना यहाँ पे अयाशी होती थी, सेम लाइक यूरोपियन कल्चर होता था ईरान में। जब बाबा इमाम खुमैनी यहाँ पर आए हैं उसने इन लोगों को इस्लाम तस्लीम करवाया, लेकिन ये अभी भी इस्लाम को ना तस्लीम नहीं कर रहे और इस्लाम को तरजीह नहीं देते। ये लोग पागल इंसान है, ये जाहिल इंसान है, ये कहते हैं कि ये सीन है। खुमैनी गुड निस्त, इस्लाम खराब है शहर, ईरान कबूल निस्त, इस्लाम ईरान कबूल ना दर। कह रहा भाई ईरानी जो है ना इस्लाम को कबूल नहीं करते, वो अमेरिका का हुकूमत कबूल करते हैं। अमेरिकन गुड गुड, यूरोप गुड खूब, ये देखो यूरोप को खूब कह रहा है भाई, इस्लाम खूब ना, इस्लाम खूब खराब है। अच्छा ये नहीं है, सही है। कह रहा भाई इमाम खुमैनी ने आगे खराब कर दिया सब सिस्टम, लेकिन कह रहा है इस्लाम ठीक है। अभी वो कह रहा है जब मैंने वीडियो ओपन की पहले वो बकवास कर रहा था, तो मैंने बोला, मैंने कहा नहीं मैं मुस्लिम हूँ तो मैं शराब वगैरह नहीं पीऊंगा तेरे साथ और ना इस तरह का सीन करूंगा ठीक है भाई। ये लोग ऐसे है ठीक है, इमाम खुमैनी को सलूट है भाई, उसने जो भी किया सही किया, हम इस्लाम को दिल से मानेंगे। खुमैनी खूब खुमैनी खूब अब ये अपने बयान से भाई बदल रहा है, ये चेक करें जरा, खराब कर दिया है। हाँ ओके ओके भाई, ये बंदा भी ना पूरे दिनों का ठीक है ना,
तो अभी चलते हैं भैया, अपना सफर शुरू करते हैं। ये बस क्या करें यार, हर मुल्क में अपना अपना ठीक है दीन मान लोगों का, लेकिन भाई अपना आप बंदा सीधा रखे जो भी है, अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए। बस आपका जमीर क्या काम करता है आपको बस वो दिखाना चाहिए, ठीक है भगा। दुनिया बहुत कुछ है, लोग भाई अमेरिका की गुलामी करना चाहते हैं, हमारे पाकिस्तान की तरह ये भी बंदा ना गुलामी में थोड़ा सा आना चाह रहा है, ठीक है। सो फाइनली जी अभी हम मेहमत के अंदर दाखिल हो गए हैं, लेकिन यार हमारे साथ तो बहुत बड़ा स्कैम हमने खुद ही कर लिया अपने साथ यार। हमने जाना था मेहमत किरमान और आ गए मेहमत फारस, तो किरमान यहाँ से 600 किलोमीटर आगे यार, 400 किलोमीटर करके हम यहाँ पर आए हैं। हम तो कह रहे थे 100 प्लस किलोमीटर, लेकिन 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर करके ये आए हैं। आगे हमें 600 किलोमीटर करके जाना पड़ेगा किरमान, किरमान के साथ है मेहमत किरमान। तो यार हमारे साथ तो बहुत बुरा हो गया यार, तो अभी यहाँ पे कुछ हाँ शीश मालूम मालूम आगा मालूम, ये आगा ने भी नहीं बताया यार। और फिर हम आ गए मेहमत, और मेहमत से यहाँ पे कुछ बेहतर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी खूबसूरत माहौल है, आप लोगों को वो वाला सीन दिखाते हैं, उसके बाद फिर आगे वाला जो होगा सीन वो फिर बाद में देखा जाएगा यार। यहाँ पर हम आए और ये हमें किराया फजूल में पड़ा 4.5 लाख, ठीक है। अभी आगा को मैंने बोला है कि भाई हमें मेन रोड पे उतार दें, वहां से फिर हम पैदल कहीं ना कहीं चले जाएंगे, ठीक है। ये सीन हुआ है भाई, आगा को समझ नहीं यार, दिमाग खराब हो गया मेरा। और अभी जा रहे हैं बाहर मेन वाले रोड पे, मेन रोड से कोई गाड़ी वाड़ी पकड़ेंगे तो भाई आगे चले जाएंगे। ये अभी हमारे साथ भाई कुछ अजीब वाइब हो गई है, बहुत मसला है यार। हमने जाना था मेहमत किरमान और आ गए मेहमत फारस, बहन जो समझ नहीं आ रही क्या करें यार। भाई साहब अभी टैक्सी वाले के साथ यार काफ़ी मसले के वो बातचीत चली है, वो कह रहा है वापसी पे भी 4.5 लाख लूँगा और आप लोगों को वहाँ पे छोड़ दूंगा, आप वहाँ से जहाँ आपका दिल करे चले जाना। हमने कहा नहीं यार इस तरह का सीन नहीं है। और अभी जी यहाँ पर रुके हैं, ये एक बाग है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत सीन है बाग का, आप लोगों को बाग का विजिट करवाते हैं यार, बहुत प्यारा है। ये अंगूर का बाग है जी, और उसके बाद अनार वगैरह भी लगे हुए हैं, लेकिन ये देखिए अनार लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अंगूर का बाग है, मेरे ख्याल में अभी अंगूर की फसल नहीं है, तो ये देखिए जी अनार कितना कितना प्यारा लगा हुआ। और ये देखो जी कितना वीआईपी सीन है, और अभी मैं चल के आगे दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा सीन है यहाँ पर। सो जी अभी दो अनार मैंने ले लिए, कुछ आगा लेके आ रहे दो अभी आगा की गाड़ी में बैठ रहे आगा फ्री का माल बहुत खाता है भाई तो अभी चलते हैं जी गाड़ी में बैठते हैं यार, काफ़ी ऊंचा चढ़ा था यार पौधों पे, तो अभी मैंने दो अनार थोड़े रास्ते में खाते जाएंगे। अभी 2.5 लाख हमने यहाँ का मेन रोड तक देना है, 2.5 लाख, 4.5 लाख दे के हम यहाँ पर आए हैं, और अभी चलते हैं भाई फिर क्या सीन होता है फिर देखेंगे रास्ते में। अभी ये मैं अनार मैंने एक अनार खोला था और आधा आगा ने खा लिया था, आधा मैंने खा लिया, फिर आगा को मैंने दो अनार तोड़ के दिए थे, उसमें से एक मैंने चुरा के ना अपने बैग में रख लिया, और अभी आगा ढूंढ रहा था यहाँ पे, देख रहा था कि ये एक पड़ा हुआ ना, कह रहा है मेरा दूसरा कुछ ही किधर है मैंने कहा मैं वो खा गया कहना कि बैठी जल्दी कितना खा गया, मैं कहा भाई मैं खा गया, तो हमने रख लिया बैग में, तो ये सलीम भाई खा रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन उधर 6.5 लाख रुपया भी तो लग गया है यार, आज तो तकरीबन ना 6.5 लाख की हमें ना पड़ गई है भाई। तो अभी जी वेट करते हैं, तो अगर हमें पहुंचाएगा जहाँ पे नज़दीक हमें बस मिलेगी किरमान के लिए, फिर किरमान के पास है वो मेहमत सिटी जो बहुत ओल्ड है और 12.5 हज़ार साल पुरानी है, वो वहाँ पर है, उस तरफ हम जाएंगे। तकरीबन पैसे तो काफ़ी लग गए हैं यार, तो कोई मसला नहीं, फिर भी सफ़र तो करना ही है यार, तो चले भाई वापसी जाते हैं उधर, और आगे जो जो हमारे साथ होता जाएगा आप हमारे साथ रहिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए मेहनत करके इतनी सारी वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, इतने इतने चक्कर करके निकाल रहे हैं, और आप लोग सपोर्ट नहीं करते यार। भाई जान अभी आ गए वापस, सियाने कहते हैं कि जितों की खोती उत्थे आण खलोती, वो गल हो गई है कि जितों की खोती से उत्थे आण खलोती, जितों सुबह गए हैं, कुमकुमारी हट के उत्थे आ गए शिराज। हाँ भाई।
वो दरवाजा ना खोलिए, आ जी। तो जी अभी सामान उठा लिया है, बाबे को देने हैं पैसे। सलीम भाई बाहर आ रहे हैं। चीज तो पीछे कर देता। सामान अपना देख पहले। अभी बाबा जी को पैसे देने हैं यार, इससे थोड़ा झगड़ा बगड़ा करते हैं आप लोगों को। ओके आगा तकफी। तो भी 7 लाख की माँ बहन एक करके अभी वापस शिराज में ही आ गए, और यहाँ से हमने बस पकड़नी है श्री जान की। श्री जान के नज़दीक है वो विलेज जहाँ पर हमने जाना है, हज़ारों साल पुरानी है यार। तो अभी फिल वक्त यहाँ पर रुकते हैं, तो देखते हैं फिर कहाँ से हमें गाड़ी मिलती है, यहाँ से मिलेगी या उस साइड से मिलेगी, तो इनसे पूछते हैं। सो फाइनली जी अभी हम बैठ गए कि नई गाड़ी में, और ये हमें लेके जाएगी श्री जान तक। श्री जान का सफ़र यहाँ से काफ़ी दूर है, 4.5 घंटे का सफ़र है। अब गाड़ी करवाई है, ये भाई श्री जान की तरफ ही जा रहा था, तो मांग रहा था 10 लाख मांग रहा था, जिसमें से हमने इसको दे दिए 5 लाख फाइनल किए हैं, लेकिन वो कह रहा था 6 लाख। तो चले 6 लाख भी दे देंगे, मुश्किल नहीं है यार, क्योंकि सफ़र बहुत एडवेंचर हो रहा है। वो वाला सफ़र फजूल में गया 7 लाख वाला, अभी ये 6 लाख दे के जा रहे हैं। मसल के मिलियन के ऊपर वाला सिर तो हम ले गए हैं। अभी हम जा रहे हैं जी श्री जान, और श्री जान जाके वहाँ पर जल के देखेंगे, रूम लेंगे भाई, वहाँ पर रेस्ट करेंगे। अगले दिन वाला जो सीन होगा ना वो फिर देखेंगे, क्योंकि सफ़र काफ़ी ख़राब हो चुका है यार, सर को दर्द भी बहुत है। इसमें चे हुसैन और हमारी हुसैन, ओके लाइक लाइक लाइक, तो हुसैनी भाई का नाम है, और इसके साथ बैठ के हम जा रहे हैं। अल्लाह करे हमारा सफ़र अच्छा हो। ये बंदा मुझे थोड़ा सा मशकूक लग रहा है, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा जो भी होगा। फिर ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा, इसके साथ साथ सब कुछ चलेगा। तो चले भाई अभी सफ़र शुरू करते हैं श्री जान की तरफ, तो इंशाल्लाह हो सकता है भाई रस्ते में कोई बातें शातें इतनी ज़्यादा ना हो, क्योंकि सफ़र बहुत ख़राब है और सर को दर्द भी बहुत है। ओके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ओ खूबी सो फाइनली जी अभी रात के तकरीबन 7 बज गए हैं, और भाई साहब ने हमें छोड़ दिया। ओके खूब सलाम वालेकुम। ओके खूब। सो जी फाइनली अभी हम श्री जान में पहुंच आए हैं यार, काफ़ी सफ़र हो गया और हालत भी टाइट हो गई भाई, रास्ते में नींदर विंदर भी माड़ी मोटी ली है जी, इतना ज़्यादा सीन नहीं था। अभी भाई साहब ने हमें श्री जान के अंदर छोड़ दिया, यहाँ से हम टैक्सी पकड़ेंगे, जाना है मैदान आज़ादी, तो वहाँ पर कोई मेहमान पजीर ढूंढेंगे, और पहले चलते हैं मेहमान आज़ादी, वहाँ पर मेहमान पजीर मिलता भी है कि नहीं। यहाँ पे बहुत गहरी खाई है, इससे नीचे ही उतरे हैं, ये ना हो कि नीचे गिर जाए तो बाद में मसला क्रिएट हो जाए। तो अभी यहाँ से कोई टैक्सी पकड़ते हैं, ये टैक्सी वैक्सी तो आ रही हैं, तो चलते हैं फिर आगे मैदान आज़ादी की तरफ।